मैं वेरका स्टेशन पहुंच गया हूं। यह एक्चुअल में अमृतसर में ही है लेकिन काफ़ी आउटर में है। ये मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी अमृतसर के रूरल एरिया में आ गया हूं। तो अभी हो रहे हैं 4 बजे हैं और लगभग 5:40 की रिपोर्ट ट्रेन है। फ़िलहाल मैं टिकट ले लेता हूं और उसके बाद मैं वेट करूँगा स्टेशन पर ही अंदर। ये सामने इस तरह का छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अभी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद यहाँ से ट्रेन चलेगी और लगभग ये 50-52 किलोमीटर दूर है यहाँ से अमेरिका से। और 1 घंटे में ट्रेन जो है पहुँच जाएगी डेरा बाबा नानक स्टेशन पर और वहाँ से देखते हैं कैसे आने जाना है। दिल्ली से अमृतसर की जो टिकट थी वो तो 180 रुपये की और यहाँ से आगे की जो टिकट है वो है 17 रुपये की और 10 रुपये मैंने ऑटो में खर्च किए। लगभग आप मान के चलिए 205 रुपये का आपका टोटल खर्चा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके डेरा बाबा नानक पहुँचने का। आप कह सकते हैं रूरल पंजाब का एक सफ़र रहेगा मेरे लिए। मैं बाहर भी देख रहा था स्टेशन बहुत छोटा सा, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, बहुत छोटा सा स्टेशन है। ये खड़ी है सामने मेरी ट्रेन जो मुझे लेके जाएगी डेरा बाबा नानक। ये एक्चुअल में एक पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन। ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो मुझे लेके जाएगी वेरका से डेरा बाबा नानक और इसमें जो किराया है वो है 15 रुपये। आपको अनरिजर्व टिकट मिल जाएगी और पूरी ट्रेन खाली है, ज़्यादा लोग हैं नहीं इसमें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 4 ट्रेनें चलती हैं, एक अमृतसर से चलती हैं और 3 ट्रेन जो चलेंगी वो चलेंगी वेरका स्टेशन से डेरा बाबा नानक। 1 से 1.25 घंटे में ये वहाँ पर पहुँच जाएगी और उसके बाद आगे का देखते हैं क्या क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या होता है। अभी ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है और 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे डेरा बाबा नानक। अभी ठीक खेतों के बीच में से जा रही है हमारी ट्रेन, बहुत अच्छा लग रहा है। ਬੜਾ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अभी सफ़र के बीच में एक मुझे नई बात यहाँ पे सुनने को मिली, मेरे साथ बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, तो ये शब्द गा रहे थे अभी, तो अभी एक चीज़ मुझे बताई गई है कि इसी लाइन पे कभी जो है एक ट्रेन को पांच निहंग इस तरह से जो हैं, जो इस तरह से ड्रेसअप करते हैं, इन्होंने बचाया था एक पूरी ट्रेन को लुटने से या उसको आग लगाई जा रही थी जो भी, तो उसको इन्होंने बचाया था। और अब इनको पूरे जो इंडियन रेलवे में अगर कहीं पे भी जाते हैं तो इनको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक कोई कार्ड है जो बनता है गुरुद्वारे से, तो इसको लेके ये कहीं पे भी जा सकते हैं। जो ये ट्रेन का इसमें ट्रेन आप फ्री में, ये ट्रेन का फ्री है, अच्छा ये आप ये ट्रेन में एक्चुअल में फ्री में इसमें सफ़र कर सकते हैं इंडियन रेलवे में कहीं से भी, कहीं के ऑल इंडिया ये फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। ट्रेन का फोटो है Government Constitution 1951, Government of India has allowed Nihang Singh to travel free in Indian Railway. काफी पुराना एक्ट है। बाबा लोग अभी आप सातपुर जा रहे हैं? नहीं नहीं। Actually अभी मैं डेरा डेरा बाबा नाना साथ। हाँ उधर घूमे गुरुवार साथ। कल मॉर्निंग में फिर हम लोग वहाँ से निकले। जो डेरा बाबा नान के हैं? वही आपको बस लेके जाएगी आगे। बस खड़ेगी इसी रोड बने हुए ने। अच्छा उतना भी उतना बस रहा हूँ बस मिलेगी आपको बस मिलेगी जी। उस बस में आपने बैठ जाना है जी। सीधी आपको गुरुद्वारा में लेके जाएगी। आपको रात को फिर खाना पीना खाना जी। बहुत रिवॉर्ड करना जिसमें मुझे मिलेगा आप ना धो के फिर सोके आप खाना पीना खाना तो ब्रेकफास्ट वगैरह करना फिर करतारपुर के लिए रवाना आपको बस लेके जाए। मुझे ये बात अभी पता चली है कि जो गुरुद्वारे से हमें मॉर्निंग में एक बस लेके जाएगी बॉर्डर तक आएगी इंडियन बॉर्डर तक मुझे बस लेके जाएगी अपनी बस अपनी बस इंडियन बस और सर आपका नाम सर कह रहे हैं कि यहाँ से जो रेलवे स्टेशन से भी जो गुरुद्वारे की बस है वही हमें पिक करेगी इस टाइम पे और वो हमें लेके जाएगी गुरुद्वारे तक। गुरुद्वारे में ही शायद लंगर का व्यवस्था है, रहने की पूरी व्यवस्था है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं एक्चुअली सच बात बताऊँ मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे लगा था कि ठीक है मैं किस देखना जाना चाहता था इस बारे में क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर ओपन हुआ है। सही बात है, सही बात। मुझे लगा पता नहीं शायद कल को फिर कोई टेंशन हो जाए। हाँ जी तो मैं कहा कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली है को पैसेंजर से कि सफ़र बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। चलिए फिर स्टेशन थोड़ी देर में आने वाला है फिर मैं आपको ये डेरा बाबा नानक। अच्छा ओ देखो बस खड़ी लगी ना पीले वाली बस ना। अच्छा अच्छा पीले पीले वाली चलो भाई तो चलो मैं पहुंच गया हूँ डेरा बाबा नानक। ये सारी होने अपनी जान दी उधर। हाँ जी पीछे। हाँ जी हाँ जी कैमरे भी सब जान दी है। हाँ जी हाँ जी मैं वापस आना था जो गुरुद्वारे तक लेके जाएगी मुझे।
और सामने है कमरा सामने रहना है। हाँ जी हाँ जी इतो आयो बैठो इतो आयो मैं दिल्ली से जी इतने पाकिस्तान जाना है ना। हाँ जी पाकिस्तान जाना है। ओ सामने जितने गाड़ी खड़ी है ना। हाँ जी उसे सात नंबर कमरा है। सात नंबर तो उतना डिरेक्शन दा प्रबंध करने के। अच्छा जी और भी अपने नाल बंदे नहीं मैं तो अकेला ही जी। कोई बात नहीं। हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੈਰੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 7 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵੀ ਗੀਜ਼ਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਗੱਦੇ ਵਿਛੇ ਹੈ ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਗ ਇਹ ਬੈਗ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਸਿਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਨਗਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਤਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ अच्छा कल मैं कल में ये यहां बैग रख सकता हूं क्योंकि इधर गठड़ी घर में रख लेना बैग। अच्छा आप पाकिस्तान चल जाओ। हां जी ठीक है जी आके फिर ले लेना इधर से। ठीक है प्रॉब्लम नहीं। हां ठीक कोई शेड फिडर नहीं करता। ठीक है आप टोकन मिल जाएगा गठड़ी घर बैग रख दियो। ठीक है सुबह हम जाएंगे 8 बजे आपको छोड़ के आएंगे 8:10 पे। ठीक है उधर। ठीक है इधर से गाड़ी चलेगी। अच्छा इधर से ही। हां ठीक है प्रसादा छक लियो नहाने धोने कर लियो। ठीक है 8:15 चलेंगे आराम ना उठना। बिस्तरे लगे गद्दे लगे है गीजर लगा हुआ फ्लैश अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है आराम से 8:15 इधर ही आ जाना खाना खुना खा के। ठीक है इधर ही लंगर लग जाता सुबह वास्ते। अच्छा जी ठीक है जेडे जान वाले है ना। हाँ जी हाँ जी उन्होंने वास्ते प्रसादा पानी तैयार हो जाता है। ठीक है जी घर वाले बोल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। ठीक है टेंशन बन जाती है आदमी जब पाकिस्तान जाता है ना। जी 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 बहुत टेंशन घर वाले को बन जाती है पाकिस्तान सुन के। तो पहले तो हम सुन के पहले तो बन जाती है पहले तो कोई आने 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 नहीं दे रहा था। खाना खाना अजे बैग मिल जाते कोल ही रखियो जूता तार लो। ठीक है उधर बैठ के। ठीक है जी खाना खायो खाना खा के आराम ना हाल से सोच लियो ये दरबार है सुबह उठ के मत्था टेक। ठीक है रुमाल बांध लो सर। ठीक है ठीक है जी ये है लंगर की चाय और ये इस तरह का है लंगर हॉल। यहाँ पे अभी मैंने खाना खाया था ये इतना बड़ा हॉल है काफ़ी सारे लोग खा चुके हैं मैं एक्चुअली लेट पहुँचा यहाँ पे तो अभी मैं जा रहा था तो ये यहाँ पे सरदार जी हैं इन्होंने बोला चाय पी लो तो फिर इन्होंने मुझे चाय दी है चलो मैं चाय पी लेता हूँ। हाँ कैमरा है जी कैमरा है। हाँ जी हाँ जी कैमरा कैमरा है जी हाँ कैमरा है जी कैमरा ये है यहाँ पे बर्तन धोने के लिए लंगर के बाद उस हॉल से आप आएंगे और यहाँ से आके आपको बर्तन धोने हैं अपने वो यहाँ पे आप धो सकते हैं और ये इस तरह से बर्तन रखे जाते हैं पहले काउंटर में आप वॉश करेंगे बर्तन को
पहली बार में, और उसके बाद आगे के जो काउंटर हैं वो अब करना पड़ेगा। बाबा नानक की बड़ी खूबसूरत फोटोज भी हैं। वो मेरा बैग रखा हुआ है वहाँ से, काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, दो लोग और आ रहे हैं, और पीछे जो पाठी साहब है वो पाठ कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ और अपना कमरा, मैंने खाना खा लिया है। हाँ जी, पब्लिक जी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से साफ़ किया जाता है। हर बार जैसे ही आप लंगर करते हैं उसके बाद उसको एक बार फिर से साफ़ किया जाता है। गुरुद्वारों में साफ़ सफाई का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है, और ख़ास करके जो सेवादार हैं वो बिल्कुल हर चीज़ को साफ़ करते हैं और बार बार उसको साफ़ किया जाता है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, ताकि आने वाली जो संगत है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये है गुरुद्वारे की अकोमोडेशन जिसमें मुझे रुकना है, और मेरा ये हॉल नंबर है 30। एक्चुअल में ये कॉमन हॉल है, और अगर आप रूम लेना चाहते हैं रूम भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रूम है का प्रेफरेंस मिलता है वो फैमिलीज़ को मिलता है। तो मेरे जैसे जो अकेले आएंगे सोलो ट्रेवलर्स, उनके लिए हॉल में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 8 से 10 लोग होते हैं एक हॉल में, चलता है।